आज हम जिसके सामने खड़े हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे अब तक कि लॉक में इसका ऐसा साउंड आता है और अनलॉक में ऐसा साउंड आता है। तो थ्रो देख सकते हैं, ये आपको प्रोजेक्टर येलो में मिलता है। तो पीछे की टेलेट आपको कुछ इस टाइप की दिखती है, ये देखिए वन टच में ओपन हो जाती है। आपको पूरा डिजिटल मिलता है, आपको यहाँ पर 220 तक मार्किंग देती है और इधर देख सकते हैं आरपीएम मीटर भी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Hey, hello guys, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं लर्न टू ड्राइव। तो आज हम जिसके सामने खड़े हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे अब तक भाई, ये आजकल ट्रेंड चल रहा है आपका ब्लैक कलर, तो ट्रेंड चल रहा है प्लस ये वरना, और वो भी ये पूरा आपका ब्लैक और क्रोम पे आ रहा है जो कि बहुत ही मस्त लुक आती है इसकी। आज हम इसी की बात करने वाले हैं पूरी स्पेसिफिकेशंस की। तो ये आप देख रहे हैं एसएक्स वेरिएंट, इसकी की कुछ इस टाइप की आती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक और होल्ड करके फीचर मिलता है जिससे आपकी बूट पीछे बूट ओपन हो जाएगा। और ये आपको यहाँ पास लोगो मिलता है हुंडई का, देखिए मैं लॉक करके दिखाता हूँ। ये लॉक में इसका ऐसा साउंड आता है और अनलॉक में ऐसा साउंड आता है। तो ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन ब्लैक कलर काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं आपको एक बार इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ, साइड से ऐसी दिखती है आपकी वरना। पीछे का लुक दिखाता हूँ आपको, पीछे से ऐसी है और फिर साइड से ऐसी है। आइए बात करते हैं इसकी डिटेल रिव्यू की, तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। आज हवा बहुत तेज़ है, बारिश का मौसम बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट में आपको यहाँ पास, पहले मैं हेडलाइट यूनिट की बात करता हूँ। तो हेडलाइट यूनिट आप इसमें देख सकते हैं, आपको इसमें प्रोजेक्टर मिल रहे हैं, साथ में यहाँ पास कॉर्निंग लैंप मिल रहा है और यहाँ पास आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं और यहाँ आपको DRL। मैं इन्हें आपको एक बार जला के भी दिखाता हूँ। यहाँ आपको फॉग लैंप भी प्रोजेक्टर में मिल रहा है, ये देखिए। और बात करते हैं इसकी ग्रिल की, तो ग्रिल तो इसकी देख ही सकते हैं एकदम यूनिक है। अभी तक जितनी भी हुंडई की कार आई है उससे सबसे यूनिक है ये, पूरी सिल्वर पे है क्रोम पे। और यहाँ बीच में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। भाई अगर आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरा सिल्वर मिलता है जीप स्पॉयलर टाइप, और यहाँ नीचे की मैश देख सकते हैं। और फ्रंट में आप इसका बोनट देख सकते हैं, यहाँ आपको डिज़ाइन मिलेगी जो ऐसे कट हुआ है, एरोडायनेमिक बनाया गया पूरी। पिकअप काफ़ी अच्छा है इसका, 1.5 लीटर है। यहाँ आपको दो वाइपर मिल जाते हैं, बड़ी विंडस्क्रीन मिल जाती है। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइलिंग की, साइड से कार कुछ ऐसी दिखती है जो कि भाई ब्लैक कलर पर बहुत अच्छी लगती है। बात करते हैं पहले इसके टायर साइज़ की, बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो आपको इसके 16 इंची के आते हैं अलॉय के साथ। साथ में आपको हुंडई का लोगो भी मिलता है यहाँ पास, और यहाँ पास आपको डिस्क ब्रेक दिख रही है। साइड में इसके ORVM पे ही इंडिकेटर आते हैं, फेंडर पे नहीं है। यहाँ आपको पूरे पे क्रोम गार्निश दिखने को मिलती है, यहाँ से लेके पूरा एंड तक जाती है। और आपका ये जो डोर हैंडल है वो भी आपको मिलता है पूरा सिल्वर फिनिश। और यहाँ पास आपको पूरा कीलेस एंट्री के साथ ऑप्शन मिलता है। इस वाली व्हील में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलता है, मतलब आगे आपको दो डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और ये आपकी यहाँ तक आपकी ख़त्म हो जाती है। आगे ऊपर आपको इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं इसके पीछे की, पीछे से आपकी कुछ इस तरह की दिखती है आपकी वरना। इसकी टेल लाइट कुछ इस टाइप की है, अभी मैं इसे आपको जला के दिखाता हूँ। इसमें आपको वरना की बैजिंग मिलती है आपकी हुंडई की, और ये आप SX वेरिएंट देख रहे हैं तो SX की बैजिंग। यहाँ आपको नीचे कैमरा इंस्टॉल दिखेगा, और यहाँ आपको सेंसर मिल जाते हैं चार जो कि एकदम दिखते नहीं हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ है नीचे आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा सिल्वर फिनिश मिलता है रिफ्लेक्टर्स के साथ। बॉडी कलर बम्फर है,
ऊपर आप देख सकते हैं डिफॉगर है, स्टॉप लाइट है और आपको शार्फिन एंटीना मिल रहा है। ऐसी कुछ आपकी वरना दिखती बाहर से। आइए बात करते हैं इसके अंदर की। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसे एक बार जला के दिखा देता हूँ। तो ऐसी इसकी हेडलाइट यूनिट देख सकते हैं, आपको प्रोजेक्टर का थ्रो देख सकते हैं। ये आपको प्रोजेक्टर येलो में मिलता है, कोई इसमें आपको LED बल्ब नहीं मिलते हैं। और ये DRL देख सकते हैं आप। मैं एक बार फॉग लाइट और इंडिकेटर भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे इसके इंडिकेटर दिखते हैं और ये आपके इसका थ्रो देख सकते हैं। इसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। देखिए इसके ORVM पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो कि ऐसे ग्लो करते हैं। और पीछे की टेल लाइट भी देख लेते हैं। पीछे की टेल लाइट आपको कुछ इस टाइप की दिखती है, भी काफ़ी अच्छी दिखती है पूरी। आपको यहाँ पास LED मिलती है, यहाँ आपको पूरे LED बल्ब साथ मिलता है। ये आपके इंडिकेटर हो गए, ये आपके रिवर्स के लिए हो गया। अब ब्रेक मारने पे और तेज़ी ग्लो होती है। अब आइए बात करते हैं इसकी इंटीरियर की। कीलेस एंट्री के साथ आती है आपकी। इसमें आपको ऐसा डोर मिलता है, एक डुअल टोन में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी और नीचे आपको पूरे बटन मिलेंगे ORVM के और पावर विंडो के। यहाँ आपको थोड़ी स्पेस मिलेगी और यहाँ पास आपको बॉर्डर होल्डर की जगह। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बार इसकी सीट दिखा देता हूँ। आपको इसको मैनुअली एडजस्ट करना है, आप इसको हाइट एडजस्टेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे का बोनट ओपन होगा, यहाँ से फ्यूल लिड और पीछे बूट। आइए चलते हैं इसके अंदर। अंदर से इंटीरियर को जिसका इस टाइप का दिखता है। आइए बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। अब जो स्टेयरिंग देख रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे बटन मिलते हैं। ये आप SX वेरिएंट देख रहे हैं, यहाँ आपको लोगो मिलता है एयरबैग के साथ। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्रूज़ वगैरह इसमें मिलते हैं आपको। यहाँ आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ देख सकते हैं आपको वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ आपको आपकी टच स्क्रीन मिलती है जो कि लगभग 11 इंच की है। यहाँ आपको कुछ बटन मिलते हैं। यहाँ आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, हजार्ड के ऑप्शन और कुछ बटन्स मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पास है। नीचे बात करते हैं, यहाँ पास आपको एक सॉकेट मिलता है और साथ में USB पोर्ट और एक चार्जिंग के लिए। यहाँ आपको वायरलेस का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं 6-speed गियर बॉक्स है। ये ऐसी कुछ इसकी की है। यहाँ पास 2 का फोल्डर है। ये आपकी हैंड ब्रेक और यहाँ पास आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है। आर्मरेस्ट में काफ़ी स्पेसिंग है। इसका ग्लव बॉक्स ये रहा जो कि कूल्ड है। AC वेंटेज के इस टाइप के आते हैं। इधर आपको दूसरी डिज़ाइन मिलेंगे, यहाँ बीच में 2 दूसरी डिज़ाइन में और इधर देख सकते हैं। इधर आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिलती है और बाकी यहाँ पास देखते हैं तो आपको IRVM इस टाइप का मिलता है जिसमें आपको सिर्फ ऑन ऑफ की बटन मिल रही है। यहाँ आपको सन ग्लास होल्डर मिल रहा है, साथ में यहाँ पास आपको हेलोजन बल्ब डाल दिए हैं यहाँ पास 2। और आप सनरूफ इसमें देख ही सकते हैं, ये देखिए सनरूफ। अभी सनरूफ को भी खोल देता हूँ, इसको ऑन करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए वन टच में ओपन हो जाती हूँ। मैं अभी इसे क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है। बाकी बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग व्हील की। तो आपको इसको दिखाता हूँ, मैं आपको इसको, ये आप देखिए टिल्ट हो रहा है और ये आपका टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट है ओनली। यहाँ पास इसके होते हैं, ये इसको आप नीचे करके इसको एडजस्ट करना रहता है। बात करते हैं इसकी MID की। तो MID आपको इस तरह आती है, इसमें अभी पन्नी लगी हुई तो आपको ठीक से नहीं दिखेगा ज़्यादा। यहाँ देख सकते हैं आपको पूरा डिजिटल मिलता है। आपको यहाँ पास 220 तक मार्किंग देती है और इधर देख सकते हैं RPM मीटर की है और बीच में आपको छोटी स्क्रीन मिलती है। तो इसकी MID भाई सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। इसकी स्क्रीन कुछ इस टाइप की है जो कि पूरी टच स्क्रीन आती है। इसको काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाती है। तो टच ठीक काम नहीं कर रहा क्या? हाँ देख सकते हैं, यहाँ पास आप पूरा इसे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई वगैरह डिस्प्ले से। और डिवाइस कनेक्शन देख सकते हैं, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है, ऑटो कनेक्शन प्रायोरिटी भी, काफ़ी सारी सेटिंग मिलती है इसमें। इसे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। बाकी ये देखिए आप बटन यहाँ पास मिलती हैं और बाकी सब मैंने बता दिया है। आइए बात करते हैं इसके पीछे की स्पेसिंग की। पीछे की स्पेसिंग कैसी है? आगे तो
काफ़ी ठीक है, मैं इसे आगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर पीछे चलते हैं। तो आइए चलते हैं पीछे। पीछे का डोर आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, जैसा कि आगे का देखा था आपने वैसे ही उसी टोन में मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको पावर विंडो का बटन मिलती है, नीचे कुछ स्पेसिंग, बाकी इस डोर में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है आपको। बाकी चाइल्ड लॉक वगैरह मिलता है सब में, और ये देख सकते हैं रियर की स्पेसिंग किस टाइप की है। सीट की क्वालिटी में आपको यहाँ आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, यहाँ पन्नी चढ़ी हुई है, तो मैं अभी इसे दिखा नहीं सकता आपको। आइए रियर में बैठ सकते हैं, बैठ के देखते हैं। आइए रियर में बैठ के देखते हैं भाई। फ्रंट वाली सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लगी, पता नहीं क्यों। इसकी कुशनिंग कुछ अलग मटेरियल से मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है। ये देख सकते हैं सीट की क्वालिटी इस टाइप की है, और आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, 5'10" की हाइट है। देख सकते हैं कितना गैप बच रहा है, काफ़ी अच्छा है। और हेडरूम तो ठीक ठाक है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब सेडान है तो अच्छा नहीं रहेगा ज़्यादा। यहाँ आप देख सकते हैं बैक में आपको पार्शियल ट्रे है, और यहाँ आप कर्टेन भी लगा सकते हैं इसको, धूप ना है, डिफॉगर है। यहाँ आपको ग्रैब हैंडल वगैरह मिलते हैं, आपको यहाँ पास दो एसी वेंट मिलते हैं, नीचे आपको एक यूएसबी का पोर्ट मिलता है जो काफ़ी नीचे है। बाकी इतना ही है, मैं यहाँ पास एक लोग खड़े हो सकते हैं सनरूफ में काफ़ी आराम से यहाँ पास से, क्योंकि काफ़ी ठीक है सनरूफ। इसमें पैनोरामिक कैसे आ पाएगी, पैनोरामिक आने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ आपको एक लाइट मिलती है जो कि वो भी हैलोजन दी गई है। तो आपकी ऐसी कुछ है, वरना इसका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखता है पीछे से। तो आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए मैं इसे आपका बूट ओपन करता हूँ की से। आइए मैं आपको इसका बूट स्पेस भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसे आपको होल्ड करके रखना है, आपका ये अनलॉक हो जाएगा। मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, 1, 2, 3, आपके 3 काउंट में ही ये पूरा खुल जाएगा। ये देखिए, मैं कैमरा आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये कैमरा यहाँ पास है। मैं अभी कैमरा की क्वालिटी भी आपको चेक कराता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आपको 480 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी आप इसमें लगेज कैरी कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पास आपको अलॉय नहीं आता, नॉर्मल आते हैं इसमें, स्टील रिम आते हैं। इसके जो है साइजिंग देखते हैं, इसकी साइजिंग R15 है। बाकी आपको 16 इंच मिल रहे हैं, बाकी इसमें आपको एक कम मिल रहा है, और इसमें आपको लाइट वगैरह तो नहीं मिल रही है। ये आप SX वेरिएंट देख रहे हैं, और यहाँ आपको इंसुलेशन भी मिल रहा है। आइए बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसे आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, फिर इसे आप की से बंद नहीं कर सकते। आइए इसका बोनेट ओपन करते हैं। आइए मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ आगे का बोनेट ओपन करके। बारिश भी हल्की चालू हो गई। तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, ये आप देख रहे हैं मैनुअल में है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, और ऐसा कुछ इसका इंजन है। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे इसकी बैटरी देखिए आप, बैटरी ये रही। और आपको बूट स्पेस आपने देख लिया था, 480 लीटर है। बाकी यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिलती है, तो ऐसी कुछ आपकी दिखती है। वरना तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।